एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स। सर बात करेंगे यहाँ पर नेपाल वर्सेज इंडिया के मैच के मैच की यहाँ पर बात करेंगे। इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया और नेपाल का मैच है भाई, लोग कह रहे थे भाई इसका प्रीव्यू कब मिलेगा, तो भाई आपका प्रीव्यू करेंगे इसका कि कौन सी टीम आपको यहाँ पर बेस्ट लग रही है और किस टीम के यहाँ पर ज्यादा चांसेस आपको जीतने के लग रहे हैं। नेपाल की टीम अगर हम बात करें, नेपाल की टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली और कहीं ना कहीं बैटिंग की जब हम बात करते हैं, भीम सरकी की बात करें, रोहित पोडेल की हम बात करें या फिर हम बात करते हैं वहां पर आसिफ शेख की हम बात करते हैं, नेपाल की टीम वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। और बॉलिंग में भी आपने देखा कि वहां पर जो पाकिस्तान की टीम थी काफी तगड़ी, उनकी बॉलिंग वहां पर आपको देखने को मिली थी। मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहनवाज धानी ने विकेट वहां पर अच्छी ली। लेकिन जो हम बात करते हैं, नेपाल की टीम वहां पर बैटिंग और अच्छी कर सकती थी लेकिन आपके वहां पर रन नहीं आए। और अब बात करते हैं इंडियन टीम की, इंडियन टीम ने वहां पर यूएई की टीम को काफी तगड़ा मैच हराया। वहां पर यशदुल का शतक आया, हर्षित राणा की बेहतरीन बॉलिंग हुई। लेकिन ये मैच इंपोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? इंपोर्टेंट मैच इसलिए कि भाई अगर आप नेपाल की टीम को हराते हो तो टीम इंडिया सीधा वहां पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन नेपाल की टीम अगर आज का मैच हारती है तो नेपाल की टीम यहां पर फिर बाहर हो जाएगी, फिर नेपाल के चांसेस यहां पर नहीं बचेगी और इमर्जिंग एशिया कप से बाहर हो जाएगी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नेपाल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, वहां पर एसीसी प्रीमियर कप तो जरूर अच्छा करा लेकिन जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस हुए थे नेपाल ने वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करी। पिछले मैच में भी जब पाकिस्तान के अगेंस्ट सोमपाल खामी ने वहां पर इनकी इज्जत बचा ली थी, 75 रन की पारी खेली थी। और अब दोनों का स्कोर भी हम बात करेंगे वहां पर, अगर केके भाई आप स्कोर चलाओ तो दोनों का स्कोर की हम बात करेंगे कि किसका स्कोर आपको तगड़ा लग रहा है। एनी डाउट टीम इंडिया यहां पर बेस्ट और टीम इंडिया यहां पर जीतेगी भी। तो भाई ये इंडिया का स्कोर था, साई सुदर्शन आपको दिख रहे हैं, अभिषेक शर्मा आपको दिख रहे हैं वहां पर, साई सुदर्शन और अभिषेक शर्मा पर भी वहां पर नजरें होगी क्योंकि पिछले मैच में साई सुदर्शन और अभिषेक के रन नहीं आए थे। वहां पर हम बात करते हैं निकिन जोश की और वहां पर यशदुल ने काफी अच्छी पारी खेली। इस मैच में नजरें होगी कि अभिषेक कैसी परफॉर्मेंस करते हैं, साई सुदर्शन आपकी कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। इसके अलावा आपको रियान पराग भी यहां पर दिख रहे हैं। लेकिन हम बॉलिंग में बात करते हैं, हर्षित राणा हो गए, मानव सुतार हो गए, आपके आकाश सिंह हो गए, इन्होंने ओवरऑल अच्छी बॉलिंग वहां पर करी थी और इंडिया इस मैच में फेवरेट है और इंडिया को जीतना भी चाहिए। आप जीत के यहां पर सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करो। इसके अलावा हम बात करते हैं नेपाल की टीम, कुशल बुर्तेल हो गए, आसिफ शेख हो गए आपके, भाई दोनों का फ्लॉप स्वर रहा। कुशल बुर्तेल की एक पारी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आप छोड़ दो तो कुशल बुर्तेल से भी वहां पर रन नहीं बने। आसिफ शेख को तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वहां ड्रॉप कर दिए थे, इनके भी रन नहीं आ रहे थे। अर्जुन साउद हो गए, रोहित पोडेल, कुशल मल्ला, इनके भी भाई रन नहीं बने थे। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी नेपाल की टीम ने काफी ज्यादा निराश किया था और जो आपका एसीसी इमर्जिंग एशिया कप चल रहा वहां भी इन्होंने काफी ज्यादा निराश किया। इसके अलावा हम बात करते हैं गुलशन झा, इनसे उम्मीद होगी कि ये अच्छा करें। यहां पर सोमपाल खामी, इन्होंने पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करी। अगर नेपाल की टीम को इंडिया को टक्कर देनी है तो कुशल बुर्तेल हो गए, रोहित पोडेल हो गए इन, और यहां पर हम जो बैटर की बात करते हैं भीम सरकी हो गए, इन्हें अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी वरना नेपाल का भाई टाटा बाय बाय इमर्जिंग एशिया कप से वहां पर हो जाएगा। वहां पर पॉइंट टेबल भी आपको बताऊंगा कि पॉइंट टेबल की क्या स्थिति अभी चल रही है, इंडिया कहां पर है खड़ी है, पाकिस्तान का मैच भी है, पाकिस्तान को भी वहां पर यार यूएई के अगेंस्ट खेलना है और पाकिस्तान के लिए भी ये कि अगर आप जीतते हो तो सीधा क्वालिफाई कर जाओगे सेमीफाइनल के लिए। पाकिस्तान ने भी पहले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करी, शाहनवाज धानी हो गए, फिर हम बात करते हैं उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर, 5 विकेटें शाहनवाज धानी ने ली थी, 4 विकेटें मोहम्मद वसीम जूनियर ने ली थी। बैटिंग में भी वहां पर आपने देखा था कि अच्छी परफॉर्मेंस आई थी क्योंकि बैटिंग आपकी वहां पर अच्छी है, चाहे मोहम्मद हारिस की बात करें, हम बात करें वहां पर हम आपके जो हम बात करते हैं वहां पर सैम अय्यूब है आपके पास, मोहम्मद हारिस आपके पास, कामरान गुलाम आपके पास है, तो आपकी बैटिंग भी वहां पर अच्छी है। तो बात करते हैं पॉइंट टेबल की, बात करते हैं भाई आपको ग्रुप बी के पॉइंट टेबल में दिख रहा है इंडिया एक मैच में एक जीते इनकी प्लस में रन रेट है, पाकिस्तान एक मैच में एक जीते। इंडिया का मुकाबला है भाई नेपाल के साथ, पाकिस्तान का मुकाबला है यूएई के साथ। अगर इंडिया अपना मैच जीतती है, नेपाल को हराती है, इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी वहां पर। और जो नेपाल और जो पाकिस्तान को और यूएई का मैच है कल, वहां पर अगर पाकिस्तान ने यूएई की टीम को हराया तो पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर जाएगी। फिर इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर होगी 19 तारीख को की नंबर वन पर फिनिश कौन करता है। अगला ग्रुप चलाएं वहां पर, अगले ग्रुप की भी बात करेंगे वहां पर क्योंकि श्रीलंका को झटका लग चुका है अगले ग्रुप में और श्रीलंका के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यह भाई ग्रुप ए की हम बात करते हैं, यहां पर अफगानिस्तान की हम बात करें तो 2 मैच में 2 जीते और श्रीलंका को काफी उन्होंने रोमांचक मुकाबले में कल हराया भी, 10 या 11 रनों की जीत थी वहां पर अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार लग रही है कि सेमीफाइनल में जाएगी और फाइनल भी पहुंच सकती है भाई टीम। बांग्लादेश की 2 मैच में 1 जीत 1 हार है, वहां पर प्लस में रन रेट है। श्रीलंका की 2 मैच में 1 जीत 1 हार है और कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हो भाई
अब श्रीलंका को अपना मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। अगर श्रीलंका अपना मुकाबला नहीं जीत पाएगी तो श्रीलंका के लिए वहां पर दिक्कतें वहां पर बढ़ जाएगी। और यहां से यही लग रहा है कि अभी यार जो अफगानिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका है वहां पर जो हम श्रीलंका की अभी बात भी कर रहे हैं, श्रीलंका ने कहीं ना कहीं ज्यादा डिसअपॉइंट करा है। श्रीलंका इससे बेटर परफॉर्मेंस कर सकती थी, लेकिन श्रीलंका को ओमान के साथ खेलना है, अफगानिस्तान को बांग्लादेश के साथ अभी खेलना है। और कहीं ना कहीं वहां पर जब हम बात करते हैं श्रीलंका की टीम की, हम बात करते हैं श्रीलंका के पास भी 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जो आपके भाई सीधा वहां पर खेल रहे हैं। अभी श्रीलंका का भी मैच आपको बताता हूं, श्रीलंका और ओमान का मैच है भाई 18 जुलाई को आपका, 18 जुलाई को श्रीलंका ओमान। अगर श्रीलंका ओमान को हराती है तो 4 पॉइंट्स हो जाएगी उनके। लेकिन अफगानिस्तान और बांग्लादेश वाला मैच है, अफगानिस्तान अगर जीतते हैं वहां पर तो श्रीलंका के लिए और अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेश ने अगर अफगानिस्तान को हरा दिया तो मामला रन रेट पर वहां पर फंस जाएगा आपका भी। तो भाई यही है, देखते हैं कि नेपाल की टीम वहां पर किस तरीके की परफॉर्मेंस करती है, नेपाल की टीम वहां पर किस तरीके की परफॉर्मेंस करती है। नेपाल की टीम हारेगी तो बाहर हो जाएगी। इंडियन टीम की हम बात करें, यश धूल हो गए, आकाश सिंह हो गए वहां पर, साई सुदर्शन हो गए, रियान पराग हो गए, निशांत संधू हो गए, इन पर अभी आपकी नजर है कि निशांत संधू यहां पर अभी किस तरीके की परफॉर्मेंस करेगी। क्योंकि जब हम बात करें एसीसी इमर्जिंग एशिया कप की, ये वही प्लेयर है आपके जो आपको आने वाले टाइम पर टीम इंडिया से खेलते हुए दिखाई देंगे। और जो नेपाल की टीम है ना, नेपाल की टीम यार वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आपके सारे प्लेयर हुए जो इंटरनेशनल क्रिकेट वहां पर खेलते, इंटरनेशनल लेवल पर आपके खेलते, चाहे भीम सरकी की बात करें, रोहित पोडेल की हम बात करें वहां पर, या बाकी के प्लेयर्स की हम बात करते हैं। रोहित पोडेल भाई नेपाल के कप्तान भी है, सीनियर टीम के भी एसीसी इमर्जिंग एशिया कप में भी रोहित पोडेल कप्तान है। इन्होंने निराश किया है यहां पर। आप बोल सकते हो कि यार संदीप लमीचन अभी टीम में नहीं है, या आपके वहां पर हम बात करें दीपेंद्र सिंह एरिया भी टीम में नहीं है क्योंकि वो T20 लीग में मैचेस वहां पर खेलने गए फ्रेंचाइजी लीग के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास प्लेयर, आप फाइट तो दिखाओ वहां पर जब तक, क्योंकि नेपाल क्रिकेट में क्या हो रहा भाई आजकल, एसीसी प्रीमियर कप इनका बेस्ट गया लेकिन उसके बाद इनका बेस्ट नहीं गया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आप आयरलैंड से आ रहे हैं वहां पर, नेदरलैंड से आ रहे, जिम्बाब्वे से आ रहे, एक आप मैच यूएसए के अगेंस्ट जीते थे, यूएई के अगेंस्ट आप जीते थे, लेकिन इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी वहां पर भी। जो मैच के हीरो रहते दीपेंद्र सिंह एरी वो हिस्सा नहीं है अभी टूर्नामेंट का। तो नेपाल को अगर यहां से बेटर क्रिकेट खेलना है, बेटर करना है, यही टीम होगी। जब आप जूनियर लेवल पर जब आप अच्छा नहीं कर पाओगे तो भाई जब आप एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलोगे, इंडिया के साथ खेलोगे तो आप कैसे फाइट कर पाओगे वहां पर, क्योंकि वहां तो पूरी तगड़ी टीम आपको देखने को मिलेगी। बाबर आजम, साइंस आफरीदी, हारिस राफ, मोहम्मद रिजवान, और इंडिया की टीम से रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो आपको जब 7-8 प्लेयर आपके अभी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको यहां पर बेटर परफॉर्मेंस करनी चाहिए, फाइट दिखाओ। पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको कम से कम 250 रन वहां पर करने चाहिए थे। तो भाई देखते हैं कि वहां पर नेपाल की टीम क्या कर पाएगी। उम्मीद ये कि इंडिया कल जीतेगा भाई वहां पर और सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। मैच तो भाई 19 तारीख को ही है, हाई वोल्टेज मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 19 तारीख को रहेगा। क्या इंडिया पाकिस्तान को हरा पाएगा, नहीं हरा पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की भी थोड़ी बैलेंस साइड आपको लग रही है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पता, आपको लगातार सारी अपडेट मिल रही है, चाहे वो एसीसी इमर्जिंग एशिया कप हो, एशियन गेम्स हो, ऐसे जो इसके अलावा सारी अपडेट आपको लगातार मिल रही है। तो अभी के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।